वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बे जेस्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टिक और ब्रॉड साइड डिस्प्लेज। क्रिप्टिक डिस्प्लेज होते हैं सटल या साइलेंट सिग्नल्स। इन्हें रीड करना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। थ्री कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रिप्टिक डिस्प्लेज आर ब्रॉड साइड डिस्प्लेज, अवर्टेड गेज एंड डिसेप्टिव ग्रेजिंग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रॉड साइड डिस्प्लेज। कैटल या डियर फैमिली के एनिमल्स जब अटैक करते हैं तब बहुत ही ऑब्वियस होता है। उनका मुंह डायरेक्टली टारगेट की तरफ होता है और सींग उनकी तरफ पॉइंटेड रहते हैं। मगर अंग्यूलेट्स में, जो कि खुरों वाले जानवर है, सबसे कॉमन अटैक पैटर्न इज फॉलोड बाय अ ब्रॉड साइड डिस्प्ले। ब्रॉड साइड डिस्प्ले में जानवर ज़्यादा बड़े दिखने की कोशिश करता है बाय प्रेजेंटिंग हिज साइड, मगर मुंह टारगेट की तरफ होता है। ब्रॉड साइड डिस्प्ले का मतलब हमेशा अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये एक थ्रेट डिस्प्ले भी है। बिग हॉर्न शीप में ये ब्रॉड साइड डिस्प्लेज बहुत ही कॉमन है और हमेशा अटैक से पहले होते हैं। शीप और गोट में भी मेल्स एक दूसरे को स्क्वायर अप करते समय ब्रॉड साइड डिस्प्ले करते हैं। यही ब्रॉड साइड डिस्प्ले के टैक्टिक्स बेयर्स में भी दिखाई देते हैं। हालांकि बेयर्स थ्रेट के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्रॉड साइड डिस्प्लेज को, और डिस्प्ले के बाद अटैक के चांसेस कम होते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये भी होता है कि लोग इन वार्निंग्स को मिस कर देते हैं और फिर बेयर्स अग्रेसिव हो जाते हैं। ग्रिजली बेयर्स के साथ अटैक की लाइक्लीहुड ब्लैक बेयर्स से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं ब्रॉड साइड डिस्प्लेज के सब टाइप्स के बारे में। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रॉड साइड डिस्प्ले एग्जिबिटेड बाई दिस स्पीसीज इज द सुमो स्ट्रट। द बेयर वॉक्स फॉरवर्ड यूरिनेटिंग। Urine will flow onto its legs and run down the fur, presumably picking up its scent, which is then grounded into the soil. Arms and legs फैला लेते हैं और knee and elbow joints को stiffen कर देते हैं, जैसे sumo wrestlers करते हैं। Sumo strutting करते वक्त पैर के जबड़े जमीन की तरफ होते हैं, not towards the opponent. Sumo strutting ज़्यादातर adult males करते हैं, वो भी breeding season के समय। ये अंग्यूलेट्स के ब्रॉड साइड डिस्प्ले से डिफरेंट है। अंग्यूलेट्स स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में ब्रॉड साइड डिस्प्ले करते हैं, जबकि बेयर्स एक दूसरे से सेवरल बॉडी लेंथ्स दूर ब्रॉड साइड डिस्प्लेस करते हैं। जनरली सुमो स्ट्रटिंग के ठीक बाद लड़ाई नहीं होती। ये हमेशा दो मेल्स के बीच में होती है और बहुत बार एक फीमेल प्रेजेंट रहती, जिसका मतलब ये एक ब्रीडिंग डिस्प्ले माना जा सकता है। नेक्स्ट है स्टॉम्प वॉक। ये बिल्कुल मिलिट्री मार्च की तरह दिखाई देती। गर्दन सीधी और शोल्डर से लेवल होती है और अल्टरनेटिवली दोनों हाथ कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ आते हैं बिफोर दे स्लैम इनटू द ग्राउंड। इसके बाद है गूस स्टेप स्लाइड। गूस स्टेप स्लाइड ज़्यादातर फीमेल बेयर्स में देखी जाती है। इसमें दोनों हाथ घसीटते हुए आगे की तरफ आएंगे और बैक वाला पोर्शन हॉप करके आगे आएगा। हाथ से ज़्यादा शोल्डर और लेग्स की मूवमेंट्स होती हैं इसमें। ये फीमेल्स का सुमो स्ट्रट इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है काउबॉय वॉक। ये गूस स्टेप स्लाइड और स्टॉम्प वॉक के बीच का कुछ है। मतलब हाथ अल्टरनेट करते हैं बट हैंड्स आर लॉक्ड इन पोजिशन, अगेन अ शोल्डर एंड रियर बॉडी मूवमेंट। काउबॉय वॉक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एल्बोज बाहर की तरफ रोटेटेड रहते हैं लाइक अ bow-legged horseman, opposite to how an ape would perform this movement. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं direct and diagonal charges. When a bear makes a full-fledged charge, it typically runs with its neck and spine aimed at the opponent. During some charges, the spine remains fairly level. In other charges, the spine oscillates up and down in kind of a rocking horse motion. Instead, the bear may seem to be bouncing as much as running forward. It has been noted that greater the degree of locking, the less likely the bear is to make physical contact with its opponent. Indeed, locking may serve to increase its apparent size, making it more intimidating to its opponent. An even less assertive brown bear will sometimes advance several paces with a locking hop, during which its spine and neck are diagonal to the opponent. Sometimes at just a slight angle and sometimes at a 45 degree angle. Next, हम डिस्कस करते हैं अवर्टेड गेज।
बेज हैव फॉरवर्ड फेसिंग आईज, वो अपने सामने और साइड की चीजें एक बार में नहीं देख सकते, इसीलिए जब उन्हें चुपके से किसी पर नजर रखनी होती है तब वो नाटक करते हैं कि वो उन्हें नोटिस नहीं किए। इसे अवर्टेड गेज बोलते हैं। एक चीज जो अवर्टेड गेज के साथ काफी बार देखी जाती है वो है डिसेप्टिव ग्रेजिंग। इस डिस्प्ले में बैल कुछ खाने का नाटक करता है जबकि वो आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए, वो ट्राई करता है कि आपको नहीं पता चले कि उसने आपको नोटिस कर लिया। बोथ अवर्टेड गेज और डिसेप्टिव ग्रेजिंग बहुत ही सटल क्यूज है, इनसे धोखा खाना बहुत ही आसान है। इन दोनों डिस्प्लेस के केस में अगर अटैक होता है तब बैर को अपना पोजीशन बहुत चेंज करना पड़ता, तो कुछ हद तक वार्निंग उसमें मिलती है। Here we have discussed the three major types of bear displays. बैर से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन अगर एक सिचुएशन में आप फंस जाए जिसमें भालू आपको थ्रेटन कर रहा हो, तो आज जो भी हमने डिस्कस किया है उसको इस्तेमाल करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज का ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बेयर सीरीज को रैप अप करेंगे।